हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको एक टेबल याद रखनी होती है, लेकिन अगर आप इसको याद नहीं रख सकते हैं, तो बहुत आसान तरीका है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू के 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कितनी होती है। तो एग्ज़ाम में अगर आप इसको याद नहीं रख सकते हैं, तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी इसको यहाँ बनाने का। जब आपको एग्ज़ाम में शीट मिल जाती है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इस टेबल को वहाँ पे लास्ट पेपर पे, शीट की लास्ट पेपर पे बना लें, जिससे कि आपको अगर उस से रिलेटेड या इन डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए उस टेबल से देख के आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। क्योंकि एक एंगल की यहाँ 5 वैल्यू है, तो 6 के लिए 5 वैल्यू याद रखना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए, इस टेबल को एग्जाम में पहले बना लीजिए, जब भी आपको उस क्वेश्चन को देखना हो तो आप उसको वहां से देख सकते हैं, ताकि आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर राइट करना है। 0 डिग्री से स्टार्ट करें, सबसे लेस डिग्री पहले आएगी और डिग्री को बढ़ाते जाना है, 30 देन 45 60 देन 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए नीचे आपको 0 नंबर काउंटिंग नंबर लिखना है, 1 होल नंबर 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 और सबको डिवाइड कॉमन नंबर 4 से करना है, डिवाइड बाय 4 4 4 4 और उसको अंडर रूट। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 0 पे, 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा और 0 का रूट भी होगा 0। साइन 0 इज 0। अब 1 रूट से बाहर आएगा तो 1, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2। तो साइन 30 इज 1/2, साइन 40 2 से 4 कैंसिल 2, तो 1/1 रूट से बाहर आएगा 1 रूट 2, रूट 3 रूट 3 और 4 रूट से बाहर आके आ जाएगा 2, 4/4 1 रूट से बाहर आएगा तो 1। ये हो गई साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू। अब हम कॉस की, इन सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो साइन की वैल्यू आई है उनको रिवर्स लिखना है। जैसे आपने 0 टू 1 लिखा है, अब पीछे से आपको स्टार्ट करना है और कॉस के लिए लिखना है। तो कॉस 0 1 इन्हीं को आप उल्टा करके लीजिए, 1 से स्टार्ट करना है, देन रूट 3/2, देन 1/√2, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 और 0 यहाँ। जो वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट करके 1 की साइड लिखी है, वही आपको 1 से स्टार्ट करके उल्टा इसी का ऑर्डर चेंज कर देना है, 1 से लेके 0 तक लिख देना। अब tan थीटा, tan थीटा जैसा कि हम जानते हैं होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे sin थीटा है 0, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 1 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, तो tan 0 होगा 0। अब यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी 1/, वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। नेक्स्ट 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, दोनों नंबर सेम है, कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 10/45 1 और 10/60 √3/2 डिवाइड बाय 1/2, डिनोमिनेटर सेम, 2 से 2 कैंसिल, तो 10/60 हो जाएगा √3 और यहाँ पे लास्ट 1/0 हो गया, 1/0 अनडिफाइंड नंबर है, ये आपका हो गया अनडिफाइंड नंबर को हम इन्फिनिटी लेते हैं, ये अनडिफाइंड। ठीक है, फिर कॉट, जैसा कि आप जानते हो कि कॉट होता है 1/tan थीटा, कॉट इज 1/tan थीटा होता है, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको tan थीटा के ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। जो इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी या 0 टू अनडिफाइंड था, वो अनडिफाइंड, जैसा हमने साइन कॉस में किया था वैसा ही करना है। तो कॉट
जीरो हो जाएगा अनडिफाइंड, देन रूट थ्री वन वन बाय रूट थ्री और जीरो। सेम हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक थीटा होता है वन बाय, सेक थीटा इज वन बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू को आपको डिवाइड में कर देना, रिवर्स कर देना, वन बाय वन, तो सेक थीटा हो जाएगा वन बाय वन इज वन। नेक्स्ट आपका वन बाय कॉस, तो वन अपॉन रूट थ्री बाय टू, इसका ऑर्डर रिवर्स कर, जो डिनोमिनेटर है वो आपको न्यूमरेटर बना देना है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, ये टू बाय रूट थ्री। फिर सेक 45 राइट करना है, तो कॉस 45 वन बाय रूट टू, तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा रूट टू बाय वन, बाय रूट टू बाय वन रूट टू ही होता है। नाउ सेक 60 चाहिए, तो हम कॉस 60 की वैल्यू को देखेंगे, वन बाय टू, तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, टू में वन से डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा। नेक्स्ट आपका सेक थीटा के लिए, सेक 90 के लिए कॉस 90 देखना है, कॉस 90 का हो जाएगा जीरो, वन अपॉन जीरो, वो हो जाएगा अनडिफाइंड, ये अगेन हो जाएगा अनडिफाइंड क्योंकि इसमें आ रहा है वन अपॉन जीरो। नेक्स्ट कॉसेक आपका होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा इज, कॉसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा, लेकिन कॉसेक थीटा को भी हमें वन अपॉन साइन अप कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी वे है कि इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, सेक थीटा के ऑर्डर को चेंज कर दो, जब वन टू अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड टू वन कर देते हैं, अन कॉसेक जीरो इज अनडिफाइंड, वन वन बाय जीरो, फिर आपका टू रूट टू, टू बाय रूट थ्री और वन। तो इसमें हमें सिर्फ थ्री वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ा है, साइन टेन सेक, और बाकी कॉस के लिए साइन का ऑर्डर चेंज कर देंगे, कॉट के लिए टेन का ऑर्डर चेंज कर देंगे और कॉसेक के लिए सेक का ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और इजी वे है टेबल को बनाने के लिए, तो आप एग्जाम में सबसे पहले इस टेबल को बना लें तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ताकि हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन का पेपर, क्वेश्चन पेपर को लिमिटेड टाइम 3 आवर में कंप्लीट करना होता है, तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि इन बिटवीन आप इस टेबल को बनाने लगें। तो सबसे पहले जैसे ही आपको शीट मिलती है, आप उस शीट के सबसे पीछे, शीट हमें पहले मिल जाती है, आप सबसे पीछे इस टेबल को बना लें और बाद में आपको जिस भी एंगल की जरूरत है, जैसे कि हमें अगर 1060 देखना है तो आप 1060 रूट थ्री, कोई भी टेबल की कोई भी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप यहां से उसको यूज करके, उसमें क्वेश्चन में पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस टेबल को कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।